भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 अमरावती केवीजी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर बच्चू कड़ू का हमला। अमरावती में राणा अमित शाह की सभा का बच्चू कड़ू ने किया विरोध। पुलिस के सामने खड़े हुए अमरावती में बच्चू कड़ू ने साइंस कोर ग्राउंड में आरक्षण को लेकर पुलिस के सामने धरना शुरू कर दिया। बच्चू कड़ू अमरावती रैली, हालांकि बच्चू कड़ू की बैठक की विधिवत अनुमति थी लेकिन पुलिस ने बैठक करने से रोक दिया। अमरावती में महायुति प्रत्याशी नवनीत राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कड़ू के बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही विवाद चल रहा है। अमरावती में महायुति प्रत्याशी नवनीत राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कड़ू के बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से विवाद जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने 23 और 24 अप्रैल को अमरावती के साइंस कोर ग्राउंड में बच्चू कड़ू उम्मीदवार दिनेश बूब की सभा की अनुमति दे दी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी मैदान में नवनीत राणा के लिए सभा करने वाले थे, इसीलिए सुरक्षा के आधार पर बच्चू कड़ू को दी गई अनुमति रद्द कर दी गई, जिसके बाद अमरावती के साइंस कोर मैदान के बच्चू कड़ू और राणा की जोड़ी आमने सामने आ गई। चूंकि कल अमित शाह की सभा होने वाली है, इसीलिए पुलिस ने यहां सुरक्षा तैनात कर दी। आज जब बच्चू कड़ू अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तैयारी के लिए यहां आए तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद भी क्यों रोका गया, बच्चू कड़ू ने सवाल किया। साथ ही जब पुलिस अधिकारी गणेश शिंदे ने समझाने की कोशिश की तो बच्चू पुलिस पर बुरी तरह भड़क गया। पुलिस हमें क्यों गलत समझ रही है, जैसे कि वे भाजपा कार्यकर्ता है। बच्चू कड़ू ने कहा कि अगर अमित शाह की सभा के लिए अनुमति दी गई है तो उन्हें दिखाना चाहिए, अन्यथा जिन्हें अनुमति दी गई है उन्हें सभा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें मैदान में घुसने की इजाजत नहीं दी। परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? भाजपचे कार्यकर्ते आहे का? कायदा तुमचा, कायदा तुम्हाला मान्य नाही का? कायदा मान्य नाही का? कायदा पाया लागू का? तुमच्या पाया लागू पाया लागू का? बीजेपी कार्यकर्ते विनंती करना 24 तासाच्या आत मध्ये
एवढी सुरक्षा व्यवस्था माननीय गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात. मग त्यांची सभा घेणं अनिवार्य आहे तर आमची नाही का दादा? आम्ही उभा आहे ना दादा, दादा आम्ही उभा आहे ना. आम्ही परवानगी घेतलीच ना रिस्टर, 18 तारखेला अर्ज टाकून रिस्टर परवानगी घेतली ना दादा. आम्ही त्यांची सभा होणं तशी अनिवार्य आहे दादा. आमची आहे शिंदे साहेब कायदा नका तोडू. आम्ही कायदा बदली सुनवो तुमची, फक्त एका बदलीसाठी कायदा तोडता हो तुम्ही. बदली हा विषय नाही भाऊ. लोकप्रतिनिधी म्हणून आदर करतो परवानगी असून येऊ देत नाही तुम्ही. आदर करता रंगपाची फक्त भाजपचे झेंडे घ्या तुम्ही राहिलेले. तुम्ही भाजपचे झेंडे घ्या फक्त. आता हे सगळं काय आहे सुरक्षेच्या कारणास्तव आहे.